सर्द बहती हवा, उन हवाओं में महसूस होती ओस, कानों में गुंजन करता पक्षियों का मधुर नाद, बदन में सिहरन पैदा करती ठंड, प्रकृति का एक बेहद मनमोहक नजारा और एक दुर्लभ दिलकश प्रेम कहानी। दोस्तों, कहानियों के सफर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अमित का बहुत बहुत नमस्कार। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, इसका टाइटल है हम शाम, जिसे लिखा है मेरे बचपन के दोस्त जुगल किशोर ने। आइए शुरू करते हैं। सर्द बहती हवा, उन हवाओं में महसूस होती ओस, कानों में गुंजन करता पक्षियों का मधुर नाद, बदन में सिहरन पैदा करती ठंड, प्रकृति का एक बेहद मनमोहक नजारा और एक दुर्लभ दिलकश प्रेम कहानी। कैसे हो साहिल? रजनी ने खामोशी को तोड़ते हुए पहल की। खुश हूं तुम्हारी दुआओं से, साहिल ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। चौतरफा पर्वतों से घिरी नीली झील, कुदरत की हसीन वादियों में ढलते सूरज तले, आने वाली पूनम की सफेद चांदनी का पाहे खोलकर आगाज करती हुई एक खुशनुमा सांझ के सानिध्य में एक पुराने प्रेमी युगल की चहलकदमियों के साथ अधूरी प्रेम कहानी आज फिर शुरू हो रही थी। ये कौन सी जगह है साहिल? रजनी ने पूछा। बुरी नजरों से दूर अक्सर यहां आया करता हूं, साहिल ने जवाब दिया। कितनी सुंदर जगह है, कितना सुकून है यहां, रजनी ने कहा। तुम अपना ख्याल रखना रजनी, कदम जरा बहक सकते हैं, साहिल ने कहा। साहिल, एतबार है तुम पर, रजनी ने भी भरोसा जताते हुए कहा। डार्क आईलाइनर, गहरी ब्राउन लिपस्टिक, लॉन्ग ईयर चेन, ब्लैक सूट, गोल कपोल, माथे पर बारीक सी बिंदिया जैसे कोई दुर्लभ तारा, या यूं कहें कि सुदूर आसमां से झांकता हो कोई ध्रुव तारा। तुम यूं ही बहुत खूबसूरत हो रजनी, खुद पर इतने सितम मत किया करो, साहिल ने रजनी को देखते हुए कहा। रजनी यूं शर्माई मानो बादलों के घूंघट में दूधिया चांद शर्मा के छुप गया हो। साहिल, मेरे तो चेहरे के रंग उड़ गए सारे, पर तुम्हारे दिल की रंगीनियत क्यों नहीं जाती? ऐसी बात नहीं है रजनी, मैंने कागज पर उड़ेल दी है और तुमने बदन पर उड़ ली है, साहिल का जवाब रजनी के सवाल की तरह ही बेबाक था। रजनी शर्मा कर नजरें झुका लेती है। ये शर्माना और नजरें झुकाना, अरे हां, ऐसी अदाओं से तो रजनी का पुराना नाता था। सालों पहले साहिल से ऐसी छेड़खानियां तो रजनी के साथ होना एक आम बात हुआ करती थी। तुम ना बहुत बेशरम हो साहिल, बातों बातों में तंज कसना तुम्हारी पुरानी आदत है। कुछ और बताओ ना रजनी, मेरी आदतों के बारे में, मेरी याददाश्त जरा कमजोर है, साहिल ने अपने संजीद की भरे अंदाज में कहा। तिरछी नजर का न जाने कैसा नायाब और छेड़ने वाला अंदाज था साहिल का। शायद कोई पुराने गहरे राज जुड़े होंगे, तभी तो रजनी बेहद बुरी तरह सक पकाकर हथेलियों की ओट में सिमटती चली गई। शायद कुछ जवाब देना चाहती थी लेकिन कह न सकी, बात मन की मन में ही रह गई। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूं तुमसे, लेकिन सुबह तक आते आते मेरे एहसास शब्द बदल देते हैं साहिल, तुम तक जाते जाते जाने क्यों मेरे शब्द भी अपना अर्थ बदल लेते हैं, रजनी मन ही मन खुद से बातें कर रही थी। बहुत खुशगवार था मौसम वैसे तो अब तक, पर मौसम हो या इंसान, बदल जाते हैं। कहते हैं कि सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। साहिल, अगर तुमसे एक वाक्य में सारी जिंदगी लिखने को कहूं तो, रजनी ने कहा। साहिल एक ठंडी आह भरते हुए रजनी की ओर देखता है। एक तुम्हारे ना होने के सिवा जीवन में कोई गम नहीं। सवाल आधार था सकल जीवन का तो जवाब सार। ऊपर बादल घुमड़ने लगे थे, मौसम करवट ले रहा था।
साहिल कुछ ज्यादा ही संजीदा था। सामने वो सूखा दरख्त देख रही हो रजनी? वो जूही का पेड़ है। अरसे पहले ये वादियां उसकी खुशबू से महका करती थी, लेकिन कई सालों से उसमें फूल नहीं खिले। शायद 17 सालों से। रजनी ने बेचैन से स्वर में साहिल की बात को पूरा किया। आज कई सवाल साहिल के होठों पर संघर्ष कर रहे थे और जवाब रजनी की पलकों पर हिचकोले ले रहे थे। क्या तुम जानती हो रजनी इसकी वजह? हम क्यों बिछड़े? दोनों चलते चलते खूबसूरत झील के पास आ जाते हैं। हरी चादर से ढका मनमोहक नजारा। दो चंचल मन थक कर वहीं किनारे पर बैठ जाते हैं। यूं तो चंद कदम ही चले थे दोनों साथ में, लेकिन थकावट बरसों सी थी कदमों में और बहुत से बोझ दिलों में। ये झील देख रही हो ना रजनी, अरसे पहले इसकी गहराइयों में एक काफी दिलचस्प वाक्या हुआ था। वैसे तो सारी साजिशें दहलीज पर होती हैं, यानी किनारों पर, लेकिन छोटी मछली की गलती से बुरे मछुआरे अपनी हदों को लांघ कर दूर वहां तक आ गए थे जहां जाने के वो कभी लायक ही नहीं थे। गर्म पानी और ठंडा पानी मिलता था जहां दोनों मछलियां सुकून से रहती थीं, वटखेलियां करती, झूमती, गाती, गहरे गहरे गोते लगाती। एक दिन छोटी मछली बड़ी मछली का हाथ पकड़े थी और बुरे मछुआरे आ गए। बड़ी मछली बिछा जाल देख लेती है। उसने कसकर हाथ पकड़े रहने का इशारा किया, लेकिन सम्मोहित छोटी मछली मछुआरों से मंत्रमुग्ध थी। हाथ छोड़ देती है, जाल में फंस जाती है और आश्वस्त बड़ी मछली आसान शिकार हो जाती है। बोझिल मन से साहिल के शब्दों के रूप में एक दर्दनाक सच बाहर आता है। मौसम अचानक करवट लेने लगता है। तुम्हें पता है रजनी, अगर छोटी मछली हाथ पकड़े रखती तो क्या हो सकता था? साहिल ने कहा। अरमानों की बुझी आग सी तपिश लिए नम आंखों पर पलकों का पर्दा गिराए रजनी रूंधे गले से वो कहती है जो साहिल के जीवन की सबसे बड़ी खलिश थी। तो आज भी हम साथ होते साहिल, कभी जुदा ना होते। चोट लगी है गहरी ऐसी, नमी है हर नैनन में, शब्दों में पीड़ा ऐसी मानो सूखा है सावन में। काश हम बिछड़े न होते रजनी, काश हम बिछड़े न होते। एक बात कहूं साहिल, कुछ गलतियां हमारी लकीरों की थी और कुछ तुमको रोकना आता ही नहीं था, बल्कि तुम तो ख्वाहिशें जाहिर करना तक नहीं जानते थे, न कल न आज। याद है तुमको कितना बड़ा कदम उठाया था मैंने अपनी आखिरी मुलाकात के बाद? अरे लोग तो दूसरों का छीन लेते हैं और तुम अपना ही नहीं ले पाए, रजनी बेचैनी से कहे जा रही थी। साहिल आश्चर्य से रजनी की ओर देखता है, एक जोरदार गर्जना के साथ बिजली चमकती है। चांद अपनी चांदनी समेत चुपके से दबे पांव बादलों की ओट में समा जाता है। रजनी की पहचान नहीं थी ये तन्यता? वो बेहद सौम्य, माधुरी, शालीन, भावुक और सबकी भावनाओं का ख्याल रखने वाली लड़की थी। इतनी नरम दिल कि खुद का नुकसान हो जाए पर कभी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। एक झटके में वो सारी उंगलियां आज रजनी ने साहिल की ओर मोड़ दी जो अब तक उस पर उठती आई थी। हालात अब बेहद नाजुक मोड़ पर थे। साहिल ये सुनकर स्तब्ध था पर फिर भी बेहद संजीदा। रजनी, तुम इस तरह कभी नहीं चाहिए थी मुझे कि तुमको पालूं और खुद को खो दूं। प्यार अपनी जगह, स्वाभिमान अपनी जगह होता है। क्या नहीं था मेरे बस में? तुम और तुम तक आने वाला हर रास्ता भी मेरे कदमों के नीचे था, कल भी और आज भी। लेकिन रजनी, याचना परवरिश में नहीं मेरी और छीनना स्वभाव नहीं मेरा। अजीब कश्मकश है, कैसा प्यार है ये? भाव शिकायती भले हो मगर
अभिव्यक्ति में सम्मान गहरा था। घड़ी विरल थी, साहिल की तरह रजनी भी अब असहज थी। तुम तो हाथों में हाथ लेकर वादा करके गई थी ना मुझसे कि तुम कुछ मत करना साहिल, मैं सब संभाल लूंगी। पर क्या संभाला तुमने कहो? आज चाहे कितना भी कुछ क्यों ना हो मेरे पास, लेकिन मैं सारी जिंदगी अपने आप को कभी पूरी तरह सफल इंसान नहीं मान सकूंगा रजनी, क्योंकि मैं जानता हूं मैंने तुम्हें खोया है। नहीं रजनी नहीं, ऐसा कभी किसी के दिल के साथ नहीं खेलते, कुदरत भी खफा होती है ऐसे कृत्यों से। बस करो साहिल, बस करो, खामोश, चुप, बिल्कुल चुप। तुमको मेरी कसम, आज ये कसम ना दी होती तो कसम से बहुत जोरों की बरसात होती। रजनी कहना तो बहुत कुछ चाहती थी पर कुछ तो बाहर आ गया और कुछ दिल के दिल में रह गया। कितना चाहती हूं तुमको कि तुमको भूल जाऊं मैं, क्योंकि अब तेरे तीर मेरे जिस्म से जान बेदखल कर देते हैं। चाहती हूं तुमको अपना बनाने में हर्ज भी क्या है, कि तेरे एहसास मेरे शांत सहरा में हलचल कर देते हैं। साहिल, प्यार के एक पल में लोग पूरी जिंदगी जी लेते हैं, हमने तो एक दौर साथ गुजारा है। वो तुम ही तो थे ना जिसने कभी कहा था हाथों में हाथ लेकर मेरा, के ये खूबसूरत लम्हे जिनमें तुम मेरे संग हो रजनी, ये भी काफी है मेरे इस जीवन के लिए। फिर आज इतनी बेचैनी क्यों? झील के पानी में हल्की सी हलचल होने लगती है। ऊपर दरख्त पे बैठी कोयल अपनी आवाज से फिजाओं में प्रेम कुंज खोल रही थी। बेचैनी? पूछती हो ये बेचैनी क्यों? एक खूबसूरत रिश्ता जिसे एक खूबसूरत मुकाम हासिल करना चाहिए था, उसे कम से कम खूबसूरत सुकून भरा अंत तो नसीब होना चाहिए था ना रजनी। हर खुशी बेमानी लगने लगती है जब कोई अजीज ख्वाहिश दिल के कोने में अधूरी पड़ी सिसक रही हो तो। वो तो सच्ची मोहब्बत की अपनी एक शराफत होती है जिसने सब्र और इंतजार के भरोसे उसके सैलाब को थामे रखा है अब तक। जबरन तो मैं तुमको खुद ही ना रोकता, लेकिन तुम जिस अदा से गए बस उसी का रोना है। बहती हवा, लहराते पेड़, पंछियों की नाद और झील में मिलने वाले झरनों का शोर अब थम सा गया था। चहुं ओर एक गहरी खामोशी छाई थी, पर रजनी लाजवाब थी। साहिल, शून्य की तरह असीमित है हमारा प्यार, वो अनंत है, हम दोनों का मान बढ़ाता है। उथले पानी की लहरों सा नहीं जो शोर बहुत करती हैं। दूरियां मायने नहीं रखती साहिल, मन की लगन अहम होती है। मिलना बिछड़ना जीवन का आयाम है, अंजाम तो नहीं। इतना ही कह सकी रजनी साहिल से और फिर जो मन में कहा, जाने क्या अमृत सा छलकता है तेरे वजूद से, जो निर्जीव से मेरे मन में प्राण भर देते हैं। दोनों होंठ ये बदन कब के सूख चुके हैं, लेकिन तेरे स्पर्श मेरे सूखे दरिया को नम कर देते हैं। रजनी, तुम्हारे चले जाने के बाद साहिल को तुमसे तो क्या भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए था। मेरे विशुद्ध प्रेम को कोई और तो क्या, शायद तुम भी न समझ सकी कभी। जिस पल में तुम्हारे मन में मेरे प्रेम का बीज पड़ा था ना रजनी, मेरा मकसद तो उसी पल पूरा हो गया था। आज भी मुझसे तुम्हारा यह छुप के रहना, नजरें ना मिला पाना मेरे बेकसूर होने का आधार है, और तुम्हारे साथ आज की ये शाम साहिल के उस प्यार का सार। सुर्खियां थी होठों की दहलीज पर और ताजगी पलकों पर। प्यार इस स्तर पर अमर हो जाता है, नश्वर नहीं रहता, शाश्वत बन जाता है। न आशा न निराशा, अब दोनों का मिजाज निराशाओं से निकलकर धीरे धीरे मौसम की तरह हो रहा था। कभी होंठ थरथराए, कभी हाथ कांपे। अर्थ और अभिव्यक्ति में फर्क था, पर भाव परस्पर स्नेही। नजाकत भरा अंदाज और मध्यम लड़खड़ाती आवाज आज भी वही पुराने थे। साथ नहीं छोड़ना था रजनी,
हाथ नहीं छोड़ना था। हाथ छूट गया था साहिल, वक्त रूठ गया था। जीवन की डोर टूट जाती तो, सांसें रुक जाती तो। इश्क बहुत गहरा था साहिल, तुम्हारी सांसों पे मेरा कड़ा पहरा था। कुछ अटका रह गया था रजनी, उसे सुलझा के तो जाती। तुमसे एक सिरा छुड़ाओ तो दूसरा उलझ जाता था साहिल। जाते जाते दुआएं तो दे जाती, जीने का मकसद तो बता जाती। मेरा विश्वास मेरी दुआएं थी, एक मजबूत डोर तुमको फिर बंधन में बांधेगी। थोड़ा फीका रह गया, जरा खाली रह गई मेरे जीवन की गगरिया। बड़ा मीठा स्वाद है आज की शाम का, लो भर गई सारी गगरिया। वाह, क्या बात थी इन दोनों की। अरसे बाद आज धीरे धीरे जूही की टहनियों पर फूल खिलने लगे थे। शाखें सफेद फूलों का श्रृंगार कर रही थी। असंभव लगता है, पर आज से पहले फिजाएं इतनी कभी न महकी थी। एक बात पूछूं साहिल, शिकवे तो तुम मुझसे यूं करते हो जैसे जैसे आज भी सिर्फ मेरे हो। वही तिरछे चितवन लिए रजनी, रहस्यमयी मुस्कान, कशिश भरा अंदाज और खामोश साहिल। यही तो थी रजनी की वो अदाएं जिन्होंने कभी साहिल को पहली नजर में 12 से सीधे 18 का बना दिया था। और इधर रजनी वो कुछ कहती है जिसकी तमन्ना तो बेशुमार थी साहिल को, लेकिन आश बिल्कुल नहीं थी। साहिल, आज मुझसे हाथ पकड़ने के लिए नहीं कहोगे? मुख से इतना ही बोल निकले थे मगर दिल में आवाज गूंजी। लिपटी हूं मैं तुम्हारे रंग में एक जमाने से, ये रंग इश्क का अब धोया नहीं जाता। साहिल स्तब्ध था, निशब्द था। चाहता था कि वक्त की चाबी ऐंठ दूं, चांद के कान मरोड़ दूं, अतीत के झरोखों से बीता वक्त चुरा लाऊं, पर जुबां से अरमान बहुत छन के निकले। कत्ले आरजू आरजू तुम्हारी, हलाले तमन्ना मेरी, फना हो जाएंगे इस ख्वाहिश पे हम आज आहिस्ता आहिस्ता। साहिल और रजनी जो अब तक सामने झील की तरफ नजरें किए थे, उनके चेहरे एक दूसरे की ओर मुड़ जाते हैं। दो सूनी विरक्त निगाहों का अद्भुत संगम होता है, और धीरे धीरे दोनों की नजरें एक दूसरे के चेहरों से फिसलते फिसलते, कांधों से सरकते हुए एक दूजे की कलाइयों पर आकर ठहर जाती हैं। नामुमकिन है इस दृश्य का वर्णन कर पाना शब्द रूपी रंगों से। हथेलियां जमीन पर सरकती हुई टिक टिक, घास की जमी पर दोनों की उंगलियों के सहारे कदम ताल करती हुई एक दूसरे की ओर बढ़ने लगती हैं, और बहुत करीब आकर थम जाती हैं। इन रुकी हुई उंगलियों के साथ दो दिलों की थक थक धड़कने घड़ी की सुइयों सा नाद कर रही थीं। एक बार फिर दोबारा एक दूसरे से नजरें मिलती हैं, और उसके पहले के हालात गिरफ्त से बाहर हो जाते एक कौंधती हुई बिजली की चमक अपनी जोरदार गरज के साथ इस परवान चढ़ते मंजर की बेचैनियों को चीरती हुई सुदूर पर्वतों के क्षितिज रूपी सानिध्य में समा जाती है। और आज अरसे बाद इस धरा पर दो रूहें बिन छुए फिर एक बार झील की गहराइयों में अटखेलियां करने को उतर गई थी। गुलशन सी श्रृंगारित रजनी ने निगाहों की छुअन भर से साहिल के कतरे कतरे को अपने अर्क से सराबोर कर दिया था। यही तो थी इन दोनों की प्रीत की निश्चल कहानी। एक बार पुनः वही पुराना चित्र सजीव हो उठा था। आज एक पवित्र प्रेम कहानी का पटापेक्ष हो गया था। सारी दुश्वारियां हार गई थी, एक पूर्ण शुद्ध प्रेम जीत गया था।
आज तो जूही की टहनियों से झांकते चांद की चांदनी के सानिध्य में ये शाम अभी देर तक सजनी थी। रजनी की संजीदगी ने देर से ही सही आने वाले सभी तूफानों को थाम लिया था। जाने कब तक झील की गहराइयों में कल्पनाओं के गोते लगाकर वापस आएंगे ये दोनों। एक दूजे में खोए इन दोनों को जाने कितना वक्त लगेगा वापस सहज होने में, लेकिन इस मुलाकात का एक बेहद संजीदा, नाजुक और दिलों को झकझोर कर रख देने वाला पहलू और गहरा राज अभी सतह पर आना बाकी था। दिलों के जाम छलके थे अभी कुदरत के आंसू छलकना बाकी थे। बस इसी मोड़ पर छोड़कर खत्म होती है ये कहानी जिसका टाइटल था हम शाम। इसे लिखा है मेरे बचपन के दोस्त जुगल ने। जी हाँ, जुगल किशोर अग्रवाल पूरा नाम। बड़ी ख्वाहिश थी जुगल की कि अपनी आवाज में इस कहानी को पढ़ूं, इसीलिए आपके सामने रखा। उम्मीद है ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। जुगल के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और पसंद आई हो तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक बटन दबाकर अपनी पसंदगी भी जाहिर कीजिएगा। अगले पड़ाव पर एक नई नज्म, कविता, कहानी, लघु कथा के साथ मैं आपसे मुलाकात करने फिर आऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।